यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक और अहम अपडेट सामने आ रही है, यानी एयरपोर्ट जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एक मिनट की इसी बड़ी खबर से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में छिपा है, ये तस्वीरें साल 2022 की हैं, जब पीएम मोदी अपने चौथे दौरे पर यूएई पहुंचे थे। यूएई के राष्ट्रपति अल नहायान खुद प्रोटोकॉल तोड़कर अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में खड़े दिखे थे। ये तस्वीर बताती है कि अल नहायान के दिल में अपने दोस्त के लिए कितना सम्मान है। इस दौरे से पहले ही यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी के मुरीद हो चुके थे। साल 2019 में पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाना इसका उदाहरण है। दोनों के बीच दोस्ती के दौर की नींव साल 2015 में ही पड़ गई थी, जब पीएम मोदी ने यूएई का पहला दौरा किया था। इसके बाद वो अब तक 5 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। पहला दौरा अगस्त 2015 में हुआ, दूसरा फरवरी 2018, तीसरा अगस्त 2019 और चौथा जून 2022 और पांचवां जुलाई 2023 में किया। साल 2015 में पीएम ने यूएई का दौरा किया तो ये पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। यूएई की दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट देने में पीएम मोदी भी पीछे नहीं है। इसकी झलक साल 2017 में गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को ही चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था। तब मोहम्मद बिन जायद यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। एडमिरल सुनील लांबा। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता है, लेकिन अल नहयान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। अरब एमिरेट्स एक बहुत ही अहम पार्टनर, फ्यूचर का, प्रेजेंट का तो है ही है, बट फ्यूचर का भी बहुत अहम पार्टनर है भारत का। यूएई भारत में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में और करेगा। यानी पीएम मोदी भी यूएई से रिश्तों को तवज्जो देने में पीछे नहीं हैं। कूटनीति के जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी की व्यवहारिक राजनीति, एक मजबूत नेता की छवि और विश्व में बढ़ती लोकप्रियता भारत यूएई की दोस्ती को जोड़कर रखने वाली चुंबक है। पीएम मोदी और अल नहयान की केमिस्ट्री बाकी मुस्लिम देशों में भी मिसाल बन रही है। देखिए इन दोनों की दोस्ती कैसे परवान चढ़ रही है, भारत यूएई के रिश्ते कैसे परवान चढ़ रहे हैं, कितने मजबूत होते नजर आ रहे हैं, ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। शिवांग, जरा एक बार फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स हमारे दर्शकों को दीजिए। कई बड़े समझौते हो सकते हैं, लाखों करोड़ का निवेश आ सकता है, ये हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। क्या तैयारी इतनी बड़ी समिट की आप वहां रहकर महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, तैयारियों की बात करें तो जो भव्यता है, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं, उस भव्यता को आप देखिए। इस वक्त ठीक हम महात्मा मंदिर के बाहर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सीईओज आए हैं वो लोग यहां मौजूद हैं। अभी समीर जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने बताया कि 5 बार दौरे हो चुके हैं यूएई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि जो COP28 की पिछले महीने बैठक हुई है दिसंबर के महीने में, वहां भी मुलाकात हुई है यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, और आज एक फिर मुलाकात है। एक बड़ा रोड शो यहां पे मेगा रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया है, जो शाम 5:30 से 6:30 के बीच अहमदाबाद में किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री अगुवाई करेंगे मोहम्मद बिन जायद की, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, और उसके बाद अगले महीने जैसा हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया कि जो हिंदू बैप्स टेम्पल है उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री वापस से यूएई जाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से रिश्तों की गर्मजोशी हम देख रहे हैं यूएई और भारत की, ये निश्चित तौर पे जो भारत का गर्मजोशी के बारे में जिक्र किया, बिल्कुल शिवांग जिस तरह से दिखा रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीरें, ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है और 2024 चुनाव से पहले एक तरह से इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को लेकर एक सबसे बड़ी पिच है जो कि देखने को मिलती है, और कई निवेशक, लाखों निवेशक आते हैं सामने वाइब्रेंट गुजरात के जरिए ही। रमीज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर आप थोड़ा फोकस करना चाहें, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टमेंट ग्राउंड है वो इंडो पैसिफिक के अलावा मध्य पूर्व है, जिसे चीन में रोकने की कोशिश हो सकती है, और यही एक बहुत सुनहरा और बेहतरीन मौका है भारत और यूएई के बीच में। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, और अभी आप देखें ना, पिछले 2022-23 देखें, और कभी भी कोई जो दो मुल्कों के बीच रिलेशंस होती हैं उसमें ट्रेड रिलेशन भी बहुत अहम रहता है। कल्चरल तो होते ही है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और ये जो ट्रेड रिलेशन की बात है, सबसे अहम बात यह है कि एक बायलेटरल से जाके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ के फ्री ट्रेड का जो एक एग्रीमेंट साइन होना सीपा का, और
लगभग 100 बिलियन का जो टारगेट है वो अचीव होने की तरफ बढ़ना 5 साल के अंदर, ये उन तमाम चीजों की तरफ इशारा करता है कि कैसे इन दोनों मुल्कों ने सिर्फ इस इतना ही नहीं कि सिर्फ आपस में लोगों को बुला के जॉब्स देके इतनी तक बात, इट्स बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अपने आप में बहुत शानदार है दीपक वोरा साहब, इरशाद अहमद खान साहब सुन नहीं पाए हम लोग जो बातें कर रहे थे इसलिए वो चले गए, लेकिन बात हुई को एग्जिस्टेंस की। और आज जब अरब वर्ल्ड का इतना बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करेगा अहमदाबाद की सड़कों पर, तो क्या शानदार मैसेज जा रहा है, जरा उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है। एक जमाना था जब कहते थे कि भारत में भारत के जो संबंध है मुस्लिम देशों के साथ वो ठीक नहीं है, उनको सुधारना है। आज सारी दुनिया समझ गई है कि पहली चॉइस, ये जो एक साहब आए थे जो बहुत कुछ कह रहे थे भारत के बारे में चले गए हैं, आज सारी दुनिया ये जानती है कि इस्लामिक देश की प्रेफरेंस जो है उन देशों की वो भारत है। और सर, और कुछ कहने से पहले एक मैसेज पढ़ देता हूँ, मेरे अमेरिकन फ्रेंड, व्हाइट अमेरिकन फ्रेंड से आया है अभी अभी व्हाट्सएप पे, वो अयोध्या की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एम्बेसडर वी हैव आवर टिकट्स फॉर न्यू दिल्ली, इज देयर एनी वे वी कैन गो टू अयोध्या ऑन द 22nd? क्या जवाब दूं, आप मदद करिएगा। तो ये है पूरी दुनिया में समय दबदबा भारत का। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, गेटवे टू द फ्यूचर, और यही थीम भी रखी गई है इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में 2024 के लिए। गोयल साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी संभावनाएं हैं भारत के पास इस वक्त? अनलिमिटेड, अपार, अनलिमिटेड। मैं यही कहूंगा छोटे वेरी सक्सेसफुली कि इस समय जो भारत का आर्थिक एक उत्थान हुआ है, जो भारत का स्टेटस है, उसको देखते हुए भारत और यूएई में आर्थिक संबंध बनाने की और आगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एनर्जी को ले लीजिए आप, जेम एंड ज्वेलरी को ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट इंडिया में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना बढ़ावा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूएई में इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने काम हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संभावना है और हमें इन संभावनाओं को पूर्णतः काम में लेना चाहिए। बिल्कुल दाऊदी साहब, आखिर में 10 सेकंड, लास्ट कमेंट। 10 सेकंड में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यूएई और तमाम अरब के लोगों से जो हमारा रिश्ता और जो प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद हैं, मैं खास तौर से आपके चैनल के जरिए ये यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठा था आज, ठीक है, ताकि मैं उनको एक सम्मान दे सकूं। और ये यहाँ का जो थोब है, आज हमारे यहाँ यूएई के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद है, तो मैंने कहा कि कम से कम आपके चैनल के जरिए थोड़ा सा उनको जहां तक मैसेज पहुंच सके, तो ये रिलेशन हमेशा बरकरार रहे और बहुत आगे तरक्की करने को जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा शानदार है। बिल्कुल सही बात है, और यही उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही है जिसमें तमाम देशों का रिप्रेजेंटेशन है, और भारत और यूएई का ये रिश्ता, ये दोस्ती नए मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है।